वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी आपकी वही सीरीज चल रही है जो काफी दिनों से चल रही है। बेसिकली एक चीज मैं कहना चाह रहा था, ये जो आपकी सीरीज है बेटा, ये आपका चाहे यूपी एसएससी जेई हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, चाहे यूपी आरएनबीएल हो, चाहे सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड हो, या फिर आपका अभी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर होना है, सही है, कोई भी आपका जेई या असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का एग्जाम है, सबके लिए एप्लीकेबल है। बस गेट को मैंने इंक्लूड नहीं करा है, गेट को और ईएससी को इंक्लूड तो करा है, लेकिन जो रिसेंटली उसके एक या दो या तीन साल के क्वेश्चन है उन्हें इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि उनके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। हाँ, पांच साल, छह साल, सात साल पहले के क्वेश्चन जरूर मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज में बस मेरी स्टार्टिंग दो बातें बतानी होती है अपने नए यूजर्स और नए स्टूडेंट्स के लिए, जो कंटिन्यूस स्टूडेंट और सब्सक्राइबर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली ये जो हमने बेटा सीरीज आपकी डिजाइन करी है, इसमें हमारा मेजर कंसंट्रेशन क्या है, 60% क्वेश्चन हमने बेटा न्यूमेरिकल रखा है, 40% क्वेश्चन बेटा हमने थ्योरेटिकल रखा है, सही। अब इसके पीछे की सोच क्या है, रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए आप चाहे एसएससी जेई का एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर लीजिए, चाहे आप यूपी आरएनबीएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की बात कर लीजिए, सही है, या फिर आप सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर सकते हैं, या फिर आप सीआईएल की, कोई भी आप एक एग्जाम देखिए जेई लेवल का, ई लेवल का, तो जेई की पहले बात कर लेते हैं, तो जेई लेवल का एग्जाम देखिए तो उसमें जो 60% क्वेश्चन होते हैं बेटा उन्हें न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन 40% क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, बच्चों टेंडेंसी ये होती है उनका मेजर कंसंट्रेशन किस पर रहता है, मेजर कंसंट्रेशन रहता है उनका न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर। अच्छी बात है, करना चाहिए कंसंट्रेशन, लेकिन थ्योरी वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। अब अगर बेटा थ्योरी वाले पार्ट को स्किप करेंगे, ये समझ के कि आसान है, एग्जाम कभी नहीं क्लियर होने वाला, सही। जितनी इंपॉर्टेंस बेटा न्यूमेरिकल को दे रहे हो उतनी ही इंपॉर्टेंस थ्योरी को देनी है, आपको एक सिंगल क्वेश्चन को ही पूरी इंपॉर्टेंस देनी है, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा अच्छे मार्क्स के साथ। तो हमारी कोशिश क्या है कि पूरी ओवरऑल सीरीज की बात करी जाए, मेरे ख्याल से शायद 200 लेक्चर मैं करूं, शायद सही, तो 200 लेक्चर में ओवरऑल अगर आप एक रेशियो निकालेंगे तो 60% क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेंगे, 40% क्वेश्चन थ्योरेटिकल लेंगे। उसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन। नेचर ऑफ क्वेश्चन से क्या मतलब होता है, आप बात समझिए कि भाई 180 मिनट का पेपर है एसएससी जेई का, 200 क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिल रहा है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको बमुश्किल मेरे ख्याल से 50 से 55 सेकंड मिल रहा है, सही। अब ऐसा कोई पत्ता ही लगेगा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन 50 से 55 सेकंड में ही होना है, कुछ क्वेश्चन बेटा आपके 15 सेकंड हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 30 सेकंड हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बेटा आपके 60 सेकंड हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 90 सेकंड में, कुछ क्वेश्चन 120 सेकंड में, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से टाइम वेरी करता है, यानी हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन का जो नेचर है ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ टिपिकल्टी या फिर डिफिकल्टी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा एवरेज हो सकता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। अब आपका नेचर क्या है, जनरली आपका क्या स्टूडेंट्स का नेचर क्या है कि जो टिपिकल क्वेश्चन है उनसे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, यहाँ भाई ये करेंगे हम, इससे बहुत ज्यादा ध्यान लगाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम देंगे, लेकिन जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिन क्वेश्चन को सीधे से रीड करा और रीड करने बाद टिक लगाया, उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज़ बहुत जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है कि ऐसे क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिए, सही है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस की रेंज रखी है वो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आसान से आसान क्वेश्चन भी रखा है और टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी रखा है, प्लस सब्जेक्ट की बात कर लूँ इलेक्ट्रिकल मशीन भी बेटा आपका इसमें इंक्लूड है, मेजरमेंट के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी करा रहा हूँ, पावर सिस्टम के भी करा रहा हूँ, एस्टीमेशन के भी करा रहा हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी करा रहा हूँ, कंट्रोल के भी कराऊंगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कराऊंगा, ठीक है। यानी ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट आपके मैक्सिमम पॉसिबल है सारे के सारे कराऊंगा, ठीक है। और एक लास्ट बात देखिए, एक दिन में मिनिमम कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ, सही है। और बहुत सारे क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी मैं जब आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये कि मिनिमम बेटा आपके एक दिन में 30 से 35 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, और अगर आपके एक दिन में 30 से 35 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, सही है, तो या फिर सॉरी एक दिन में आपके 30 से 35 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, तो यानी 10 दिन में कितने होंगे, 300 से 350, ठीक है, और एक महीने में 1000 से 1500। अब 1000 से 1500 क्वेश्चन अगर आप एक महीने में रेडी करते हो विद डिटेल सॉल्यूशन और कंटिन्यूस 6 महीने तक एक सीरीज देख लेते हैं, मान लेते हैं जून तक चल जाती है कंटिन्यूस, तो खुद से सोचिए आपके 6 से 7000 कम से कम क्वेश्चन रेडी होंगे। जब आपके 6 से 7000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी हो गए, उसके बाद आप चाहे जेई का एग्जाम देने जाओ, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देने जाओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप ये सीरीज देखिए, अपना फीडबैक दीजिए, 101% मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कोई भी आपको दिक्कत लगती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, जो कि इतना समय नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि 101% मैं आपका रिप्लाई दूँ। हाँ, ये पॉसिबल है तुरंत नहीं दूंगा, एक दिन, दो दिन, चार दिन, छः दिन बाद दूंगा, लेकिन रिप्लाई आपको 101% मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर में मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल से ही है ये, देखिए। और ये तीन न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ पहले, ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल बेटा आपके वॉट मीटर पर ही है, सही, घुमा फिरा के एक जैसे ही है, बस लैंग्वेज चेंज है, लेकिन आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।
पहले मैं इन क्वेश्चन को ज्यादा बाइफरकेट कर दे रहा हूँ, ये आपका बेटा पहला क्वेश्चन है, फिर ये आपका दूसरा क्वेश्चन, देन ये थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद ये आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे बोर्ड पे जगह बन जाएगी। अच्छा एक बात और, फॉन्ट साइज में बेटा आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो फॉन्ट साइज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन दो बार रीड करूंगा, दो बार, सही है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन एक बार में लिखे तो मुझे आसानी रहती है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं और दो बार पढ़ूंगा, ठीक है। इन ए पर्टिकुलर टेस्ट रीडिंग्स ऑफ टू वॉट मीटर्स आर 5 kW 2 kW, देन टोटल पावर एंड पावर फैक्टर, मैंने शॉर्ट में लिखा है पावर फैक्टर आर इफ सेकेंड वॉट मीटर कनेक्शन आर रिवर्स, ए है 7.08, बी है 7.06, सी है 3.06, डी है 3.24। फिर से रिपीट करता हूं, इन ए पर्टिकुलर टेस्ट रीडिंग्स ऑफ टू वॉट मीटर्स आर 5 kW, 2 kW, देन टोटल पावर एंड पावर फैक्टर आर इफ सेकेंड वॉट मीटर कनेक्शन आर रिवर्स्ड, ए है 7.08, बी है 7.06, सी है 3.06, डी है 3.24, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन में देखिए कोई आपका पर्टिकुलर टेस्ट हो रहा है, चलो ठीक है, रीडिंग्स हैं, अब ये मेथड कौन सा है आपका बेटा, मेथड है आपका 2 वॉट मीटर मेथड है, सही, और रीडिंग्स आपकी आ क्या रही है बेटा, एक रीडिंग आ रही है आपकी 5 kW और एक रीडिंग आ रही है बेटा आपकी 2 kW, सही, ये याद रखिएगा। देन टोटल पावर, तो इस केस में टोटल पावर क्या होगी, ये टोटल पावर आपसे पूछ रहा है, और पावर फैक्टर, दो चीजें पूछा है, टोटल पावर और पावर फैक्टर, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ये क्या कह रहा है, इफ सेकेंड वॉट मीटर कनेक्शन आर रिवर्स्ड, सही, तो अब थोड़ा सा चेंज आ गया, इन्होंने क्या बोला कि जो आपका सेकेंड वॉट मीटर है, सही है, 2 वॉट मीटर मेथड है, आपके 2 वॉट मीटर होंगे ऑब्वियसली बात रीडिंग लेने के लिए, तो सेकेंड वॉट मीटर के अगर मैं कनेक्शन रिवर्स कर देता हूं तब टोटल पावर क्या होगी और आपका पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको डेटा गिवन क्या है, आपको सिंपल डेटा गिवन है, W1 = 5 kW। देखो क्वेश्चन में भले ही फॉन्ट साइज छोटा हो, लेकिन मैं सॉल्यूशन में फॉन्ट साइज बड़ा लिख रहा हूं। W2 क्या है, 2 kW, आपको W1 भी पता है, आपको बेटा W2 भी पता है, तो टोटल पावर आपकी क्या होगी, टोटल पावर देख लेते हैं, टोटल पावर W1 - W2। अब ये मैंने -W2 क्यों करा, क्योंकि कनेक्शन बेटा आपके रिवर्स है, तो यानी क्या आ जाएगा 5 - 2 = 3 kW, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, या तो बेटा सी वाला ऑप्शन सही होगा या बेटा आपका डी वाला क्वेश्चन ठीक होगा, सही। तो देखो यहाँ पे कनेक्शन रिवर्स है, इस वजह से अगर कनेक्शन रिवर्स नहीं होते तब बेटा आपकी टोटल पावर क्या होती, तब आपकी टोटल पावर होती 5 + 2 यानी 7 kW, और देखो आपको ऑप्शन में 7 भी दे रखा है, कई बच्चे 7 पर टिक लगा के आ जाते हैं, तो इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज बेटा आपको बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करनी है, अगर लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत करी तो दिक्कत आ जाएगी, सही। अब पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो पावर फैक्टर बेटा क्या होगा, पावर फैक्टर सिंपल आपका क्या होता है, कॉस फाई होता है ना, पावर फैक्टर आपका कॉस फाई होता है। देखिए पावर फैक्टर मैं डायरेक्ट, अब मैं इसके ऊपर और भी सवाल आपको करा ही चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, पावर फैक्टर आपका होता है बेटा कॉस फाई। अब बताओ बेटा यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होती है, सही, जो आपको फाई की आपकी जो वैल्यू होती है सिंपल होती है आपकी टेन इनवर्स √3 W1 - W2 / W1 + W2, सही है, ये आपकी फाई की वैल्यू होती है, सही। तो आपको यहाँ पे फाई की वैल्यू सीधे रख लो, सही है, तो फाई की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, सीधे बन जाएगा आपका कॉस टेन इनवर्स √3 W1 - W2 / W1 + W2, ठीक है, फॉन्ट साइज में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यू रख लीजिए, तो देखिए कॉस टैन इनवर्स, अब जरा यहां पे जो गौर करने वाली बात है, मैंने यहां लिखा है W1 - W2, तो W1 - W2 आपका बेटा क्या सॉल्व हो क्या है, देखो W1 तो आप लोगे 5, ठीक है, और सेकंड वॉट मीटर के कनेक्शन आपके क्या है, सेकंड वॉट मीटर के कनेक्शन है बेटा आपके रिवर्स, यानी वो क्या हो जाएगा -2, तो 5 - -2 मतलब 5 + 2, बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो यहां क्या आएगा 5 + 2, नीचे है W1 + W2, तो W1 + W2 आप बेटा क्या लोगे,
या आप लोगे 5 माइनस का 2, सही 5 माइनस का 2, ठीक। तो ये वैल्यू रखिए 5 माइनस का 2। अब इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्ट कैलसी से सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो देखिए आंसर आपका क्या आएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। कॉस टेन इनवर्स अंडर रूट 3 7 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0.24। ये आपको सॉल्व क्या जाएगा 0.24, ठीक है। ये सॉल्व क्या जाएगा 0.24, यानी कौन सा ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और जहां तक है, अगर आप, मैं ऐसे बोल रहा हूं आपसे, अगर आप यहां 5 माइनस 2 कर देते, यहां 5 प्लस 2 कर देते, ठीक है, तो आपका जहां तक है 0.6 सॉल्व हो गया। तो बच्चों की आदत क्या होती है कि अगर जो सॉल्व करा है और वही मुझे आंसर मिल जा रहा है तो वो खटाक से टिक लगा देते हैं, सही। तो यहां पे देखो सिर्फ एक लाइन का खेल था, इफ सेकंड वाटमीटर कनेक्शंस आर रिवर्स, सही। अगर ये कहानी नहीं होती तो फिर पूरा आंसर आपका चेंज हो जाता, सही। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कई बार एक ही लेक्चर में कई बार रिपीट कर देता हूं कि देखो बेटा आपको ये चीज बहुत गौर से देखनी है, सवाल की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। सवाल की लैंग्वेज बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कर रहा हूं लास्ट वाला। टू वॉट मीटर आर कनेक्टेड टू मेजर पावर कंज्यूम बाय 3-phase बैलेंस लोड। वन ऑफ द वॉट मीटर रीड्स 1400 वॉट एंड अदर इज 800 वॉट। द पावर फैक्टर ऑफ लोड इज व्हेन बोथ रीडिंग्स आर पॉजिटिव। रिपीट कर रहा हूं, टू वॉट मीटर्स आर कनेक्टेड टू मेजर पावर कंज्यूम बाय 3-phase बैलेंस लोड। वन ऑफ वॉट मीटर रीड्स 1400 वॉट एंड अदर इज 800 वॉट। द पावर फैक्टर ऑफ लोड इज व्हेन बोथ रीडिंग्स आर पॉजिटिव, सही है। तो देखिए सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए वही आपका टू वॉट मीटर मेथड है। आज टू वॉट मीटर मेथड की अच्छी प्रैक्टिस होगी, और पहले भी मैं काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। टू वॉट मीटर आर कनेक्टेड है, ये कैसे है, टू मेजर पावर कंज्यूम बाय 3-phase बैलेंस लोड, ठीक है। वन ऑफ द वॉट मीटर, एक वॉट मीटर की बात हो रही है, रीड्स 1400 वॉट। चलो भाई देखो फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, इसलिए दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूं। एक वॉट मीटर की रीडिंग क्या है 1400 वॉट, और दूसरे की बेटा क्या है 800 वॉट, ठीक है। जब दोनों की रीडिंग बेटा आपकी पॉजिटिव है, दोनों वॉट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव है, इस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा? इस कंडीशन में बेटा आपसे पावर फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे बेटा आपको क्या दे रखा है, पावर है, पावर कंज्यूम है, तो पावर P1 बोल दे रहा हूं मैं 1400 वॉट, ठीक है, 1400 वॉट। P2 बोल दे रहा हूं बेटा 800 वॉट, ठीक है। P1 हो गया 400 वॉट, P2 हो गया बेटा 800 वॉट, सही। अब सिंपल पावर फैक्टर पूछा, तो पावर फैक्टर फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, क्या रहेगा, फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है। तो यहां पे सारी वैल्यू रख लीजिए, सीधा आपका आंसर आएगा। पहले फाइव की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो देखिए फाइव की वैल्यू आपकी क्या होती है, फाइव की वैल्यू होती है टेन इनवर्स, बिल्कुल सेम जैसे पिछला सवाल कर रहा था वैसे ही सवाल है, बस थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है। ठीक है, अब यहां देखिए यहां वैल्यू रख लीजिए टेन इनवर्स। अब देखो जरा बात को समझो, यहां पे एक लाइन क्या लिखी है आखिरी में, व्हेन बोथ रीडिंग्स आर पॉजिटिव। जब आपकी दोनों की दोनों रीडिंग क्या है, दोनों की दोनों रीडिंग आपकी बेटा पॉजिटिव है, सही। तो पॉजिटिव वाला साइन लेना है। तो इससे पहला सवाल क्या था, एक वॉट मीटर की रीडिंग नेगेटिव थी, तो यहां पर क्या आएगा अंडर रूट 3 1400 माइनस का 800 अपॉन 1400 प्लस का 800, ठीक है। करिए इसे सॉल्व, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, फाइव कैलो निकालते हैं क्या आएगी आपकी।
इनवर्स अंडर रूट 3 1400 माइनस 800 यानी 600 अपॉन 2200 600 डिवाइड बाय 2200 इक्वल टू फाइव आ जाएगा 25.28 डिग्री। जो फाइव की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 25.28 डिग्री सही है। तो ये तो आपकी फाइव की वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बेटा पावर फैक्टर। तो बेटा पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर होगा कॉस फाइव। तो देखिए पावर फैक्टर यानी कॉस, इसे निकालते हैं जरा सॉल्व करते हैं 25.28 कॉस 25.28 इक्वल टू 0.90। ये सॉल्व होकर क्या जाएगा 0.90। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ ये मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, इतनी जगह नहीं है इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे थे। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं लिखता हूँ मत सोचा करो कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, वो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं। हाँ कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इंक्लूड करता हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। अभी आगे के लेक्चर में अभी आपका जहाँ तक है फिर कन्वेंशनल का पेपर भी होना ही है, तो मैं कुछ कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन भी आपके इंक्लूड करूँगा और उसे कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाऊंगा और बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वॉट मीटर पे एक क्वेश्चन और है। आज आपकी वॉट मीटर की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इस पूरी सीरीज में, मेरे ख्याल से कम 50 क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा लेकिन 25 क्वेश्चन तो वॉट मीटर पे मैंने कराए हैं अभी तक। सही, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ए थ्री फेज 500 वोल्ट मोटर लोड हैज पावर फैक्टर ऑफ 0.5 टू वॉट मीटर कनेक्टेड टू मीजर द इनपुट, दे शो द इनपुट टू बी 36 किलोवाट। अच्छा द रीडिंग ऑफ बोथ इंस्ट्रूमेंट्स आर, ठीक है एक बार फिर से, ए ऑप्शन है W1 बराबर 36 किलोवाट, W2 है 0 किलोवाट, बी ऑप्शन है W1 बराबर 9 किलोवाट, W2 बराबर 27 किलोवाट, सी है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू 18 किलोवाट और डी है W1 बराबर 45 किलोवाट, W2 बराबर माइनस का 9 किलोवाट। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, अगर फॉन्ट साइज वाकई में छोटा है इसलिए दो दो बार बोल रहा हूँ। ए थ्री फेज कॉमा 500 वोल्ट मोटर लोड हैज पावर फैक्टर ऑफ 0.5 टू वॉट मीटर कनेक्टेड टू मीजर द इनपुट, दे शो द इनपुट टू बी 36 किलोवाट, द रीडिंग ऑफ बोथ इंस्ट्रूमेंट्स आर W1 इक्वल टू 36 किलोवाट, W2 इक्वल टू 0 किलोवाट, W1 इक्वल टू 9 किलोवाट, W2 बराबर 27 किलोवाट, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू 18 किलोवाट, W1 इक्वल टू 45 किलोवाट, W2 इक्वल टू माइनस का 9 किलोवाट। चलिए ये सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे थ्री फेज है, 500 वोल्ट की मोटर है। लोड का बेटा पावर फैक्टर क्या है, लोड का पावर फैक्टर है 0.5। कौन सा मेथड यूज हो रहा है, टू वॉट मीटर मेथड, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। सही, इनपुट मीजर कर रहा है, ठीक है इनपुट आपका क्या आ रहा है 36 किलोवाट। अब पूछा इस केस में W1 और W2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो दे शो द इनपुट टू बी 36 किलोवाट, इस लाइन का मतलब क्या निकलेगा, इस लाइन का मतलब ये निकलेगा कि आपके पास दो वाट मीटर है, एक की रीडिंग आ रही होगी W1, दूसरी रीडिंग क्या आ रही होगी W2, यानी W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 किलोवाट। एक कंक्लूजन तो ही समझो बात में कि W1 प्लस W2 बराबर 36 किलोवाट, तो ये तो W1 प्लस W2 दे रखा है। उसके अलावा अगर मैं कॉस वाई की बात करूं तो पावर फैक्टर आपको क्या दे रखा है, पावर फैक्टर आपको दे रखा है 0.5, यानी कॉस फाइव मुझे क्या दे रखा है 0.5, तो कॉस फाइव दे रखा है बेटा मुझे 0.5। तो देखो 0.5 का मतलब क्या है, यहां से अगर मैं 5 का वैल्यू निकालूं क्या आएगा, 5 की जो आपकी वैल्यू आएगी 0/2 / √2 60, 5 की वैल्यू आपकी जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो इतना डेटा तो बेटा आपको पता ही है, ठीक है आपको पता क्या करना है W1 W2 की। सही, अब सिंपल आपका tan phi का फॉर्मूला क्या होता है, tan phi का जो फॉर्मूला होता है आपका tan phi इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है। तो
यहाँ पर सिंपल टेन फाइव, आपको फाइव कैल्यू पता है 1060, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, और आपको डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू का रिलेशन पता है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ ईजिली आप डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू का रिलेशन निकाल लोगे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए टेन फाइव यानी टेन सिक्सटी डिग्री, टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू मुझे नहीं पता, ठीक है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू पता है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू क्या है 36, मैं इसे डायरेक्ट ऐसे से क्या करोगे, जीरो बटा रूट थ्री, एक रूट थ्री, रूट थ्री आ जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, यानी डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू बराबर 36, ठीक है, और एक रिलेशन बेटा आपको ये पता है, ठीक है, तो डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू बराबर 36 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, सही, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहां से डब्ल्यू वन की वैल्यू सीधा जाएगी आपकी 36 और W2 की वैल्यू क्या जाएगी 0 किलोवाट। तो इसे इक्वेशन वन लिख लीजिए, इक्वेशन वन इसे लिख लीजिए इक्वेशन टू, सही है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू W1 क्या आ जाएगा आपका 36 किलोवाट और W2 क्या आ जाएगा 0, सही है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो आपका ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो सवाल सारे के सारे घुमा फिरा के वही हैं, टू वाट मीटर मेथड के आज के स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने तीन सवाल आपको करा दिए और तीनों के तीनों सवाल सेम थे, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज था, सही। तो मैंने सिर्फ पिछले लेक्चर्स में किसी लेक्चर में शायद दो या तीन बार मैंने आपको डिटेल में चीज़ें लिखाई हैं कि पहले वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, VLIL cos 30-5, दूसरे वॉट मीटर की, इस तरीके से मैंने बहुत सारी फैक्टर लिखा है, मैं इसलिए वो चीज़ बार बार कराता हूँ कि इस सेम टॉपिक से एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने चांसेस रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, एटलीस्ट मैंने जो आपको फॉर्मूले लिखा है बेटा, अगर वही क्लियर है, चलिए थ्योरी तो मैं छोड़ रहा हूँ, सही है, तो इन सवालों को लगाने में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। जैसे बच्चे बोलते हैं सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो अब इसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल मत लिखिए चीज़ें, हाँ सही, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीज लिखने रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें जितना मैंने आपको बता रखा है बस वो पॉइंट्स नोट डाउन होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये बिल्कुल आपके बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला है ना कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको टिपिकल से टिपिकल तक भी लेके जाना है, आसान से आसान तक भी लेके जाना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट ऑफ ए साइन वेव इज 282.8 एम्पियर, फाइंड इट्स RMS वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ए है 60 एम्पियर, बी है बेटा 200 एम्पियर, सी है 141.4 एम्पियर, डी है 311 एम्पियर। रिपीट कर रहा हूं, पीक वैल्यू ऑफ करंट ऑफ ए साइन वेव इज 282.8 एम्पियर, फाइंड इट्स RMS वैल्यू। सही है, ए है 60 एम्पियर, बी है बेटा 200 एम्पियर, सी है 141.4 एम्पियर, डी है 311 एम्पियर। देखिए पीक वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पे किसी बात हो रही है, पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात हो रही है, ठीक है, तो वो देखते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट आपकी, जो आपकी पीक वैल्यू ऑफ करंट है और साइन वेव की बात हो रही है, साइन वेव वो कितनी है आपकी 282.8 एम्पियर, 282.8 एम्पियर, ठीक है, 282.8 एम्पियर। RMS वैल्यू बतानी है, सही है, तो यहां पे देखिए पीक वैल्यू यानी आईपी, आईपी आपको बेटा क्या दे रखा है, आईपी आपको दे रखा है 282.8 एम्पियर, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये आपको आईपी की वैल्यू दे रखी है, सही है, और निकालना क्या है आपको RMS वैल्यू। RMS वैल्यू आपकी सिंपली क्या होती है, सही है, वो भी साइन वेव के लिए, वो आपकी सिंपली होती है आईपी बाई रूट टू। तो देखिए आई RMS, अब बताइए दुनिया में इससे आसान क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सही है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आईपी बाई टू यानी 282.8 डिवाइड बाय रूट टू, इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा आपका सॉल्व होके, 282.8 डिवाइड बाय रूट टू इक्वल टू, ये सॉल्व हो के आपका आएगा बेटा 200 एम्पियर, सही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने जैसे आपसे बोला है कि जो आपका 180 मिनट का पेपर होता है, सही, और 200 क्वेश्चन से मान लो
तो कम से कम बेटा 25 क्वेश्चन इसी टाइप के मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने भले ही 1-2-3 मिनट जो भी लगाए हैं, लेकिन आपको 1 सेकंड नहीं लगाना है इस सवाल में अगर एग्जाम क्लियर करना है बेटा। सीधा आपने देखा पीक दे रखा है, आरएमएस निकालना है, खटाक से अपने कैलसी में या फिर जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम दे रहा हूँ उसमें सीधे आपको डायरेक्टली 282 पॉइंट डिवाइड बाय या तो सीधे √2 मारो या फिर 1.41 से डिवाइड करो और सीधे टिक लगाओ। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज पैरेलल, मैंने पैरेलल से साइन बनाया, एग्जाम में पैरेलल लिखा हुआ आता है, सही है, PRELL। एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पैरेलल RC सर्किट बिहेव एज, ए है प्योर इंडक्टिव सर्किट, बी है LC सर्किट, सी है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, डी है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सही है, रिपीट कर रहा हूं, एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज पैरेलल RC सर्किट बिहेव एज, ए है प्योर इंडक्टिव सर्किट, बी है LC सर्किट, सी है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, डी है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखिए यहां पे दो कंडीशन दे रखी है बेटा, आपको हाई फ्रिक्वेंसी दे रखी है, सही कि भाई हाई फ्रिक्वेंसी, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं फिर से लिख रहा हूँ, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पैरेलल RC सर्किट, एक तो पैरेलल है और RC सर्किट है, सही। देखो कंडीशंस क्या है, ये भी आपका 1 सेकंड का सवाल है, एक तो उन्होंने बोला वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, देखो किसी को फॉन्ट साइज की दिक्कत आती है तो मैं सॉल्यूशन में फॉन्ट साइज बहुत बड़ा लिखता हूँ, एक तो बेटा वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद पैरेलल RC सर्किट की बात हो रही है, पैरेलल RC सर्किट कि भाई सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा ये चीज आपको बतानी है, सही है, दो कंडीशन है आपकी। तो हमेशा बेसिक बात याद रखिए, एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ लीजिए इनफाइनेटली हो जाता है, सही है। अब इनफाइनेटली होने का मतलब क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, कि वो उस केस में एज एन ओपन सर्किट बिहेव करता है, और जब ओपन सर्किट बिहेव करेगा और हम पैरेलल RC सर्किट की बात कर रहे हैं तो सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, सही है। मैं लाइन लिख भी दे रहा हूं, एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज, एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज इंडक्टिव रिएक्टेंसेस या फिर रिएक्टेंस बिकम्स इनफाइनेटली, इनफाइनेटली से मतलब ये समझिएगा कि बहुत ज्यादा हो जाता है इनफाइनेटली, सो इट एक्ट्स एज ए ओपन सर्किट, सो पैरेलल RC सर्किट, यहां पे बेटा आपसे RC सर्किट पूछा गया है, ठीक है, जरा एक बात करेक्ट करिएगा, RC सर्किट की बात हो रही है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है RC सर्किट की, तो RC सर्किट की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखा है, तो जरा जब बात समझिएगा कि RC सर्किट है तो ऑब्वियसली बात है पैरेलल RC सर्किट है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है, एक सेकेंड मैं ये कह रहा था कि ये पैरेलल RL कर लीजिए इसे, सही है, मैं भी आपको दोनों केस बता देता हूँ, ठीक है, दोनों केस बता देता हूँ, इतनी दिक्कत नहीं है। सो पैरेलल RL सर्किट, क्योंकि यहाँ मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहा था, सो पैरेलल RL सर्किट बिहेव एज प्योरली रजिस्टिव सर्किट, सही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जब फिर से बात समझिए, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको दोनों केस बता देता हूँ, चाहे पैरेलल RL हो चाहे पैरेलल RC हो, आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। RL की बात कर ले रहा है, RL में कहानी क्या है, ये बेटा R है, ये बेटा L है, सही है, इसका रिएक्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। अब XL का फॉर्मूला क्या होता है, XL बराबर होता है आपका 2πfL, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि फ्रिक्वेंसी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, कि मैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर दे रहा हूँ,
सही, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है एक्सेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जा रही है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जा रही है। जब बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कोई करंट आपकी फ्लो ही नहीं करेगा, सही है, यानी एज एन ओपन सर्किट आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, सारी सारी करंट रेजिस्टर के अक्रॉस ही फ्लो करेगी। अब चलो आरसी सर्किट होता, सही है, मानते हैं, सॉरी मैंने फिर गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे इंडक्टर था, सही है, मैंने कैपेसिटर बना दिया था लेकिन वो आपका इंडक्टर था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंडक्टर बना रखा है एक्सएल। एक्सएल केस में कहानी क्या है कि एक्सएल आपका क्या होता है, 2πfL, हाई फ्रिक्वेंसी, हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस कोई करंट पास नहीं करेगा, जब कोई करंट पास नहीं करेगा मतलब क्या है, ओपन सर्किट। कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, कैपेसिटर में कहानी क्या होगी, ये आपका कैपेसिटर लगा है तो इसका इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, एक्सी होगा। एक्सी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/2πfC, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ यानी कैपेसिटर रिएक्टेंस की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हूँ, जब कैपेसिटर रिएक्टेंस की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हूँ यानी मैक्सिमम करंट कैपेसिटर के अक्रॉस भी आपकी फ्लो करेगी, क्योंकि करंट का क्या स्पेसिफिकेशन होता है कि वो लो रेजिस्टेंस पाथ पे फ्लो करने की कोशिश करती है, सही, जो उसका लो रेजिस्टेंस पाथ है वहां पे फ्लो करने की कोशिश करती है, सही। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था लेकिन कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पैरेलल आरएल सर्किट दे रखा था, आरएल सर्किट तो यानी एल दे रखा है, एल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर सी होता तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे सवाल के अकॉर्डिंग, इंडक्टिव रिएक्टेंस की। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, 2πfL, फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी एक्सएल मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा तो कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं कर रही इंडक्टर के अक्रॉस, यानी वो आपका ओपन सर्किट हो गया एक तरीके से, तो सारी की सारी करंट रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रही है, रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रही है, सही, यानी सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट हैविंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ऑफ 0.8 कंज्यूम्स 20 वॉट, वॉट इज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इन VAR ऑफ सर्किट। ए ऑप्शन दे रखा है 10, बी दे रखा है 15, सी दे रखा है 20, डी दे रखा है 25। रिपीट कर रहा हूं, इस सर्किट हैविंग पावर फैक्टर, मैंने शॉर्ट में लिखा है पावर फैक्टर ऑफ 0.8 कंज्यूम्स 20 वॉट, वॉट इज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी इन VAR ऑफ सर्किट। ए दे रखा है 10, बी दे रखा है 15, सी दे रखा है 20, डी दे रखा है 25। तो इससे आसान क्वेश्चन कोई पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे आपको एक्टिव पावर क्या दे रखा है, अगर मैं एक्टिव पावर की बात करता हूं तो एक्टिव पावर P दे रखा है आपको 20 वॉट, यहां क्या दे रखा है एक्टिव पावर P 20 वॉट। पावर फैक्टर की बात करूं, पावर फैक्टर बेटा आपको क्या दे रखा है 0.8, पावर फैक्टर आपको दे रखा है बेटा 0.8। सेम इसी तरीके से अगर यहां से पूछ कर रहा है, आपसे पूछा है रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर क्या होगा, क्यू से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू बराबर हो जाएगा P tan 5। तो रिएक्टिव पावर क्यू होगा P tan 5, तो P का मतलब क्या है 20, सही, और फाइव आपको पता ही है, सॉरी पावर फैक्टर क्या दे रखा है, पावर फैक्टर आपको दे रखा है 0.8। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है आपका कॉस फाइव, यानी आपको इस तरीके से क्या वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है कॉस फाइव बराबर 0.8, यानी आप क्या बोल सकते हो फाइव इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8, सही है। अब रख दो भाई सारी वैल्यू, 10 ठीक है, करो सॉल्व इसे, देखो क्या आता है, एक सेकेंड, पी टॉन 20 है ना आपका, यहां पे 20 आना था, ठीक है, कॉस इनवर्स 0.8 आ गया, इसका 10 लिया इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई करा, 20 इक्वल टू 15 VAR, ये सॉल्व क्या आपका जाएगा 15 VAR, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो 6 क्वेश्चन लिखे थे, 6 में से 3 क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, थोड़े से एवरेज, और ये 3 क्वेश्चन दुनिया सबसे आसान क्वेश्चन थे, सही। चलिए अब कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं,
नेटवर्क का देख लेते हैं कोई क्वेश्चन या फिर मशीन का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने बेटा 6 क्वेश्चन लिखे हैं आपके, से बाइफरकेट कर दे रहा हूं मैं फिर से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, फिर ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का सर्किट ये बना है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो एक ही चीज आपको बताऊंगा, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा, जब सवाल सॉल्व करेंगे एक एक चीज समझ में आएगी आपको। फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपका ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ आपका ये है। एक साथ 6 क्वेश्चन है, आराम से करते हैं इसे। देखिए थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैंने इंक्रीज करा है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे है। देखिए, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 100 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आएगा, एग्जाम में किस तरीके से लिख के आएगा मेरे पास जगह नहीं है इतनी। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एग्जाम में बेटा इस तरीके से आएगा, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ, एक बार मैंने लिख के दिखा दिया, मैं तो पूरी सी चीज फॉलो कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर को मैं x की पावर r से डिनोट कर देता हूँ, सही है। चलिए फिर से देखिए, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 100 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज 98% एंड अकर्स एट 80% ऑफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। इफ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 5%, फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज एट रेटेड लोड ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। सही है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही हो, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 100 केवीए कॉमा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज 98% एंड अकर्स एट 80% ऑफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। इफ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 5%, फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन ब्रैकेट में इन परसेंटेज एट रेटेड लोड ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं। देखिए सवाल में जो डेटा दे रखा है, क्या क्या डेटा दे रखा है। पहली बात तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात हो रही है, चलो ठीक है। रेटिंग क्या है ट्रांसफर की बेटा, 100 केवीए, चलो बहुत अच्छी बात। और एफिशिएंसी है क्या बेटा, 98%, सही। एंड 80% कब है, 80% ऑफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। लीकेज रिएक्टेंस बेटा आपको क्या दे रखा है, लीकेज रिएक्टेंस आपको दे रखा है ट्रांसफॉर्मर का 5%। पता क्या करना है बेटा आपको, वोल्टेज रेगुलेशन, आपको वोल्टेज रेगुलेशन पता करना है, वो भी एट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एट रेटेड लोड ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, सही है। तो देखिए आपको सवाल में क्या दे रखा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स एट 80% ऑफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर, सही। तो ये पॉइंट नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट काम आएगा, सही है। सिंस मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स एट सिंस इससे मुझे कई बार रफ करना पड़ेगा, तो आप सही से नोट करते रहना। मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अकर हो रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी अकर हो रही है एट 80% ऑफ फुल लोड, एट 80% ऑफ फुल लोड, एट 80% ऑफ फुल लोड, ठीक है। यहां आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फुल लोड और पावर फैक्टर क्या है आपका एट 0.8 पावर फैक्टर पे, एट 0.8 पावर फैक्टर पे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर हो रही है। चलिए इतनी बात तो क्लियर है, सही। अब देखिए आउटपुट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपका क्या होगा ये बताइए। 100 केवी तो आपको वहां दे रखा है इनपुट का एक तरीके से, सही। तो आउटपुट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी वो निकाल लेते हैं। तो देखिए आउटपुट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 100 तो है ही आपका, सही। तो 100 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 100 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो देखिए आपका बेटा सॉल्व होके क्या आएगा आपका, ये देखते हैं।
क्योंकि फॉर्मूला आपको एफिशिएंसी का पता ही होता है। एफिशिएंसी का क्या होता है, आउटपुट आउटपुट अपॉन इनपुट, या फिर आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। सही, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट कितना है आपका, इनपुट आपका था बेटा 100 KVA, ठीक है, और एफिशिएंसी आपकी कितनी थी 0.8, और कॉस फाइव पावर फैक्टर कितना है आपका 0.8। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 100 100, ये सीधे आपका 64 किलोवाट आ जाएगा, जो कि 0.8 0.8 आपका 64 हो जाएगा। तो सिंपल आपका क्या आ गया बेटा, 64 किलोवाट, ठीक है। तो ये आपका क्या सॉल्व हो गया है, ये आपका आ गया आउटपुट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इस पे आपका इनपुट निकाल लेता हूँ कि इस पे आपका इनपुट क्या आएगा। तो इनपुट देख लेते हैं, इनपुट आएगा आपका, अब 98% है वहां पे, चलो ठीक है, सही। तो इनपुट आपका सिंपली क्या हो जाएगा, इनपुट आपका सिंपली हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 0.98, 64.98, इसे करो सॉल्व। ये आपका सॉल्व होके क्या आएगा, क्योंकि वहां आपको 98% दे रखा है, 64 डिवाइड बाय 0.98 इक्वल टू 65.3 किलोवाट, 65.3 किलोवाट, सही, 65.3 किलोवाट। चलो अब आपको बेटा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आउटपुट पता है, आपको इनपुट पता है, यहां तक आपको डेटा पता है, टोटल लॉसेस की बात कर ले रहे हैं। टोटल लॉसेस क्या होंगे, सिंपल सी बात है, आपका जो इनपुट है, इनपुट में से आउटपुट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो देखिए टोटल लॉसेस, टोटल लॉसेस आ जाएंगे आपके 65.3 माइनस का 64, यानी 1.3 किलोवाट। तो ये बेटा आपका क्या आ गया, ये आपके बेटा लॉसेस निकल के आ गए, ठीक है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का बेटा क्या मतलब होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब ये होगा कि आपको ये जो आपके लॉसेस हो रहे हैं, ये जो आपके डिवाइडेड होंगे, ये इक्वली होंगे कॉपर और आयरन के बीच में, सही। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब दोनों लॉसेस यानी आपके आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस सेम होते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस लॉसेस डिवाइडेड इक्वली बिटवीन कॉपर एंड आयरन, दिस लॉसेस इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन कॉपर एंड आयरन, सही है। मैं रफ कर रहा हूं, मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए, आप ये चीजें नोट डाउन करते रहिएगा, सही। तो कॉपर और आयरन के बीच में हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली कहानी चल रही है। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली कहानी नहीं होती तो इक्वली डिवाइड नहीं होता। चलिए तो अब बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे मेरे कॉपर लॉस क्या होंगे, सही है, तो कॉपर लॉस एट 80% ऑफ पावर फैक्टर, सही, एट 80% ऑफ फुल लोड, कॉपर लॉस एट 80% ऑफ फुल लोड, वो आपका क्या हो जाएगा 1.3 डिवाइड बाय 2। तो देखिए कॉपर लॉस एट 80% ऑफ फुल लोड, सही। तो कॉपर लॉस की बात कर रहे हैं 80% ऑफ फुल लोड, तो 1.3 डिवाइड बाय 2 कर लो तो सीधे 0.65, किलोवाट हो जाएगा आपका, ठीक है, 0.65 किलोवाट। तो ये तो कॉपर लॉस आ गया, उसके अलावा आपको क्या निकालना है, सॉरी ये आपका क्या आ गया, ये आपका कॉपर लॉस आ गया। अब मैं कॉपर लॉस की बात करूं किस पे, एट फुल लोड, सही है, ये तो आपका 80% ऑफ फुल लोड था, तो अगर मैं कॉपर लॉस बोलूं 80% ऑफ फुल लोड, सही है, कॉपर लॉस एट 80% सॉरी कॉपर लॉस एट 80% ऑफ फुल लोड की बात हो रही है, तो ये तो 80% पे आ रहा हो, मुझे अगर निकालना है कॉपर लॉस एट फुल लोड, तो वो आपका क्या आएगा, देखिए कॉपर लॉस एट फुल लोड, अगर मैं कॉपर लॉस की बात करता हूँ, कॉपर लॉस एट फुल लोड, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा 0.65 डिवाइड बाय 0.8 का होल स्क्वायर, 0.65 डिवाइड बाय 0.8 का स्क्वायर, ये करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आता है, 0.65 डिवाइड बाय 0.8 का स्क्वायर इक्वल टू 1 किलोवाट, ये आपको सॉल्व क्या आ जाएगा 1 किलोवाट। चलिए इतनी बात हो गई, ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है,
हमें निकालना है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, सही है। तो पहले जरा परसेंटेज रेगुलेशन निकालने के लिए कैसे निकालोगे, अगर मैं परसेंटेज रेगुलेशन की बात करूं तो आपको सिंपल निकलेगा कॉपर लॉस डिवाइड बाय वी टू आई टू इंटू 100। तो देखिए परसेंटेज रेगुलेशन, परसेंटेज रेगुलेशन कॉपर लॉस, जो परसेंटेज रेगुलेशन आएगा कॉपर लॉस डिवाइड बाय वी टू आई टू इंटू 100, सही है। अब यहां पे देखिए वैल्यू बेटा आपने निकाली रखी है, कॉपर लॉस की बात करूं तो कॉपर लॉस बेटा आपने यहां पे क्या निकाला है, कॉपर लॉस आपका 1 किलो वाट निकल के आया है, सही। वी टू आई टू क्या होगा, 100 रहेगा, यानी सीधे 1 × 100/100, सही है। ये रेजोल्यूशन आपका क्या आ गया, 1%, सही है। और आपको क्या निकालना है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकलेगा, सीधे मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ध्यान से देखिएगा, जो आपको बेटा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा वो क्या होगा, 1 × 0.8, क्योंकि पॉइंट पावर 8 पे निकालना था 1, सही है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो 1 × 0.8 प्लस 5 × 0.8 साइन वाला, साइन में 0.6 आ जाता है, सही है। यहां पे आपका क्या आएगा, सॉरी लीकेज रिएक्टेंस आपको क्या दे रखा है, लीकेज रिएक्टेंस यहां पे दे रखा है आपको 5%, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 5 × 0.6, 5 × 0.6, तो 6×5=30, 3.8, ये आपका क्या सॉल्व किया जाएगा, 3.8%, ठीक है, सीधे डायरेक्ट 3.8% आ जाएगा। तो सिंपल आपका आंसर 3.8% है, ठीक है। और यहां पे शायद मैंने रेगुलेशन बोल दिया था, ये आपने परसेंटेज रेजिस्टेंस निकाला है, ठीक है, सही। तो R cos phi प्लस XL sin phi, जब cos phi की वैल्यू 0.8 है तो ऑब्वियसली बात है sin phi की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0.6, तो सीधे आपको परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 3.8%, ठीक। तो ये बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा टाइम लगा इस सवाल को करने में, लेकिन जैसे आप लोग कहते हो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सही है, वो सर बढ़ाओ, तो देखो यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी पूरा बढ़ा दिया। अब इससे टफ सवाल आपका क्या बनेगा, वैसे बनेगा तो है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत है लेवल, जेई लेवल के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की अगर बात करी जाए। चलिए, इस सवाल में कुछ नहीं करा था, एक बार आपने परसेंटेज आर निकाला, लीकेज रिएक्टेंस आपको दे रखा था, कॉस फाइव पता था, साइन फाइव पता था, परसेंटेज आर निकालने के लिए गुणा भाग करिए आपने, सही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। चलिए खैर, 11 क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जनरेटिंग स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 60 मेगावाट, कॉमा द एनुअल लोड फैक्टर इज 40%, कैलकुलेट यूनिट्स जनरेटेड पर एनम। रिपीट कर रहा हूं, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 60 मेगावाट, कॉमा द एनुअल लोड फैक्टर इज 40%, कैलकुलेट यूनिट्स जनरेटेड पर एनम, ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या डेटा दे रखा है, जनरेटिंग स्टेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैक्सिमम डिमांड कितनी दे रखी है, मैक्सिमम डिमांड की अगर बेटा मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम डिमांड दे रखी है आपको 60 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड आपको 60 मेगावाट दे रखी है। एनुअल लोड फैक्टर की बात करता हूँ तो एनुअल लोड फैक्टर कितना दे रखा है, वो आपको 40% दे रखा है। आपसे पूछा है कैलकुलेट यूनिट्स जनरेटेड पर एनम, कितनी यूनिट जनरेटेड पर एनम होंगी, तो देखिए सीधे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या फिर चलिए एक सेकेंड, देखो आपको यहाँ पर डेटा दे क्या रखा है, मैक्सिमम डिमांड बेटा आपको दे रखी है, सिक्सटी मेगावाट, ये आपको मैक्सिमम डिमांड दे रखी है। एनुअल लोड फैक्टर क्या दे रखा है, 40% एनुअल, भले आपको वहां फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही हो तो यहां पे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है। एनुअल लोड फैक्टर आपको दे रखा है 40%, यूनिट्स जनरेटेड पर एनम आपको कैलकुलेट करना। देखिए यूनिट्स जनरेटेड पर एनम क्या होंगी आपकी, जो आपकी यूनिट्स जनरेटेड पर एनम होंगी वो आपकी क्या होंगी, मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर इंटू आवर इन ए ईयर, ठीक है, क्योंकि पर एनम में दे रखा है तो एक साल के घंटे हम लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर
मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर इनटू नंबर्स ऑफ आवर ठीक है नंबर ऑफ आवर इन ए ईयर सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो ये पूरा सवाल एक जगह एक तरफ है और ये फॉर्मूला बेटा आपका एक तरफ है। तो अपने नोट्स में सवाल लिखो ना लिखो एक बात की बात है, लेकिन अपने नोट्स में बेटा ये फॉर्मूला जरूर लिखो। सही है, ये फॉर्मूला आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए तो मैक्सिमम डिमांड कितनी दे रखी है, मैक्सिमम डिमांड दे रखी है बेटा आपको 60 मेगावाट। सही, वाट में कर लो तो 60 × 10⁶। उसका देखिए लोड फैक्टर, लोड फैक्टर बेटा आपको क्या दे रखा है, लोड फैक्टर आपको दे रखा है बेटा 40%। सही, तो इसमें क्या रख ले रहा हूँ 0.04। उसके बाद नंबर ऑफ आवर, नंबर ऑफ आवर इन ए ईयर रटा होना चाहिए हर एक बच्चे को 8760। एक साल में कितने घंटे होते हैं 8760, ये डेटा आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है ये 60 × 0.4 × 8760 = 210.24 मेगावाट आवर, 210.24 × 10³ मेगावाट आवर। ठीक, तो सवाल में कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल फंडा था कि अगर आपको बेटा ये फॉर्मूला याद है तो सवाल कर लोगे, ये फॉर्मूला नहीं आता है तो सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नीचे वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये तीनों आपके बेसिक नेटवर्क के सवाल हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा जगह चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।